हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सु जोहर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूँ आपकी प्यारी सी वह, आपको मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत सारा स्वागत है दोस्तों। हैप्पी संडे, हैप्पी संडे, हैप्पी संडे। और ये है मेरा न्यू ड्रेस। कल मैं बाजार गई थी, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया तो मैं इसको ले आई। और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है, आई लव दिस कलर। और इसका सिंपल सा डिज़ाइन है, मैं ज़्यादा स्टाइलिश कपड़ा पहनती नहीं हूँ, मुझे वो ज़्यादा चमकी दमकी ऐसे टाइप का ड्रेस पसंद नहीं आता, मैं सिंपल ज़्यादा पहनती हूँ। ये फ्रंट का गला भी है, देखिए कितना अच्छा है, और कितना थोड़ा सा ही काम वर्क है, पर बहुत बहुत सुंदर है ये ड्रेस। और ये लॉन्ग भी है, मैं इसको दिखा दूंगी हैंगर में लगा के बाद में। मैं अभी पास से कैमरा करके दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। सिंपल सा लाइनिंग है, साइड में थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन है, और ये फ्रंट का तो मैं दिखा ही दी हूँ आपको। और ये हाथ में भी थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह दे दिया है, और इसका पैंट भी है दोस्तों, दिखा रही हूँ। और ये है इसका पैंट, कितना अच्छा है देखिए दोस्तों। इसका कपड़ा बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ, और कितना सुंदर कलर भी है, मुझे कलर बहुत पसंद है। और देख सकते हैं कितना सुंदर दिख भी रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये जो हाथ में है, वो पैर का नीचे में भी यही सेम डिज़ाइन दिया हुआ है। देखिए मैं इसको लाने नहीं गई थी मार्केट, कुछ अलग कुछ कपड़ा लाने गई थी, पर ये हैंगर वहाँ पर लगा हुआ था, तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा और मैं बोली इसको ले ही लेती हूँ, और लेके भी आ गई। कल मैं मार्केट इसी को लाने गई थी, पर देखिए एक मेरे को एक चाहिए था, पर एक से दो, दो से तीन भी हो गया। वो जब भी इसके थोड़ा देर पहले जो ड्रेस दिखाई पीच कलर का, उसको भी लेके आ गया। ये लॉन्ग में है ड्रेस, मतलब कि घर में ही पहन सकते हैं, या फिर आप सिंपल से कहीं घर के सामने कहीं दुकान कहीं जाएंगे तब भी इसको पहन के जा सकते हैं। ये कॉटन का है, कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए कपड़ा भी कितना मस्त है कॉटन का, लेंथ भी कितना अच्छा है। और इसको मैं कल लेके आई हूँ, और ये तो मेरा फेवरेट कलर है दोस्तों, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, आई लव दिस कलर। मुझे ग्रीन, पीच, एक क्रीम, वाइट, और भी कुछ कुछ कलर है जो मुझे बहुत पसंद है। और मैं देखिए मेरा चॉइस अच्छा है कि नहीं बताइएगा, मेरा ड्रेस सब अच्छा दिख रहा है। इसको घर में पहन सकते हैं, इसको पहन मार्केट भी जा सकते हैं, ऐसा लेंथ भी अच्छा है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और ये कॉटन का है, ये कपड़ा भी अच्छा है देखिए, और इसमें फूल है और इसमें लाइनिंग है। लाना था एक, पर हम लोग तीन लेकर आए हैं, आपको तो दिखा दी दो, और ये रहा तीन। सो कितना हो गया, तीन। तो तीन ड्रेस तो लेके आ गई हूँ। और आपको मेरा ड्रेस अच्छा लगा या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ये कलर बहुत पसंद है, मुझे मैं अच्छा दिखता भी है, मैं क्योंकि मैं ज़्यादा गोरी नहीं हूँ कि काली भी नहीं हूँ, सांवली हूँ। सांवली सलोनी तेरी झील से आंखें वाला गाना सुने हैं ना दोस्तों, एग्जैक्टली। तो देखते हैं इसको हैंगर में लगाने के बाद इसका लुक कैसे आता है। थोड़ा देर में इसको मैं हैंगर में लगा लूँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखा दूँगी। मैं इसको हैंगर पे लगा दी हूँ दोस्तों, देखिए मेरा ड्रेस आप सबको कैसा दिख रहा है हैंगर में लगाने के बाद, अच्छा लग रहा है। अभी इसका पैंट भी लगा दे रही हूँ, ये इसका पैंट है दोस्तों, मैं आपको बताई थी ना, ये लाइनिंग और पैंट का लाइनिंग सेम है, और ये हाथ का लाइनिंग भी सेम है। और इसको तो मैं दिखा दी थी, मेरा ड्रेस कलेक्शन हो गया। अभी मैं दिखा रही हूँ चप्पल, एक लाने गई थी चप्पल पर दो ले आई, जैसे ड्रेस एक के बदले तीन लाई हूँ वैसे चप्पल भी एक के बदले में दो चप्पल लाई हूँ। ठीक है मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये वाला चप्पल मैं लाई हूँ, इसको मैं डेली यूज़ करने के लिए लाई हूँ दोस्तों, एवरीडे यूज़ करने के लिए, नॉर्मली हर रोज़ सुबह पहनने के लिए लाई हूँ। और यहाँ पर जो ड्रेस, मतलब सॉरी ड्रेस बोल दी, चप्पल, यहाँ जो चप्पल लाई हूँ इसको मैं बाहर में से कहीं घूमने जाऊंगी तब पहनूंगी ये चप्पल को मैं, और इसको घर के अंदर, तो दोनों को पहन के दिखा रही हूँ, पहन के दिखा रही हूँ बोली, जो अभी नहीं पहनती हूँ क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा नेल पॉलिश लगा ही नहीं हूँ, अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए पहनी, सो डोंट माइंड दोस्तों। और इतना ही है मेरा बीटो पे आज के लिए। अगर आपको मेरा चप्पल, मेरा ड्रेस, मेरा जो प्लाजो वाला नीचे का पैंट आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसे लगा। मेरे चप्पल से भी कैसे लग रहा है बताइएगा, बताइए। मुझे काला रंग बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा चीज़ है, एक दिन बताऊंगी इसके ऊपर भी टॉपिक हुआ। ठीक है तो अभी मैं इतना ही रखती हूँ मेरे वीडियो को, सो बाय दोस्तों।